इंडियन पोस्ट ऑफिस एमटीएस रिक्रूटमेंट 2020 आप यहां पर चेक कर पाएंगे, जो उसमें आपको वैकेंसी दी गई है एमटीएस की, आपको यहां पर वैकेंसी दी गई है। जो इस भर्ती का नोटिस जारी हुआ है 26/6/2020 को यहां पर जारी हुई, यानी कि 26 जून से यहां पर इस भर्ती के आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन मोड से आपको यहां पर आवेदन करना होगा, आप यहां पर चेक कर पाएंगे। इस पेज पर अगर आप आएंगे, आपको यहां पर इस भर्ती में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप यहां से इस भर्ती का रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो पोस्ट ऑफिस में बम्पर भर्ती आई हुई, यानी कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की ओर से नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती में आपको टोटल वैकेंसी दी गई है 7508 वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी दी गई, यानी कि जो आपको यहाँ पर पद दिए गए हैं एमटीएस प्लस आपको यहाँ पर जीडीएस की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। आपको यहाँ पर इस वीडियो में इस भर्ती की सभी जानकारी दी जाएगी। अगर आप 10वीं पास है, यानी कि अगर आपने मैट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। सबसे बड़ी बात जो इस भर्ती की होगी, इस भर्ती में आपको जो अपना आवेदन फिल करना है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इस वीडियो में यहाँ पर दोनों मोड से आपको आवेदन करके भी मैं दिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। इन ग्रुप में हम डेली जो अलर्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो आप वो भी यहाँ से कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका मन है तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है 7508 वैकेंसी दी गई, टोटल जो पोस्ट नेम रहेगा, टोटल आपको यहाँ पर दो प्रकार की वैकेंसी दी गई। जो पहली वैकेंसी होगी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के लिए होगी, जो यहाँ पर सेकंड वैकेंसी रहेगी जीडीएस यानी ग्रामीण डाक सेवक की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। हु कैन अप्लाई, तो इस भर्ती में आप किसी भी स्टेट से आवेदन कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई जो मोड होगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से यहाँ पर इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो इस भर्ती में आपको आपको सैलरी दी जाएगी, काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। 10,000 रुपये से लेकर 20,500 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहेगा। अगर हम इस भर्ती की एज लिमिट की बात करें, 18 ईयर से लेकर 40 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो एज काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2020 को की जाएगी, यानी कि 1 अगस्त को आपकी एज नहीं है तो 18 से कम हो, 40 से ज़्यादा हो। और अगर आप SST कैंडिडेट है, तो आपको यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिलेगी। OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन जो फीस रहेगा यहाँ पर GDS पोस्ट के लिए यानी ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए, वो यहाँ पर UR जनरल OBC कैंडिडेट अगर आप है तो 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। SST फीमेल के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रहेगा, बिल्कुल फ्री में ये कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अगर आप MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन करते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती में फिजिकल डिटेल होगा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि बिल्कुल सीधी भर्ती यहाँ पर आपके लिए आई हुई है। ना तो आपके कोई यहाँ पर हाइट रहेगी, ना कोई वेट रहेगा, यहाँ पर आपकी कोई रनिंग भी नहीं होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपके यहाँ पर रहेगी, 10वीं पास होना अनिवार्य होगा। आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है, तो आप इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, यहाँ पर मेरिट लिस्ट होगा। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य, फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन की सभी डिटेल, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। जो इस भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, यहाँ पर 26 जून 2020 से इस भर्ती का आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 10 जुलाई 2020 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं आपको फॉर्म बताऊंगा, फिल करने के बाद आपको इस वाले एड्रेस पर सेंड करना होगा। आपको मैं बताऊंगा MTS का आवेदन किस प्रकार से करना है, क्योंकि जो GDS की पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो, आपको हमारी वेबसाइट पर आना होगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक दिया गया है। आपको आने के बाद यहाँ पर आना है सब इंपॉर्टेंट लिंक्स। अगर आप MTS पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको ऑफलाइन मोड से करना होगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप GDS पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऑनलाइन आवेदन के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके MTS वाला। तो आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो फ्रेंड्स ये रास्ता एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो लगाना है, यहाँ पर आपको नेम देना है, जेंडर बताना है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना है, लेकिन कम से कम अगर इस वीडियो पर 300+ लाइक आते हैं, तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूं किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। ग्रुप आप हमारे यहाँ से ज्वाइन कर पाएंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन GDS के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा, MTS के लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना होगा। जो यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS की वैकेंसी आई हुई है, वो यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी आई हुई है, यानी कि जो GDS की वैकेंसी मिलेगी आपको हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और केरला में आपको देखने को मिल जाएगी। केरला की पोस्ट है, इसमें MTS की वैकेंसी होगी और बाकी अदर में यहाँ पर GDS की वैकेंसी आई हुई है। और सभी की सभी यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।